बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लेती हैं। कंगना ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं। इस लिस्ट में गैंगस्टर, फैशन, क्रिश 3, तनु वेड्स मनु सीरीज, क्वीन और मणिकर्णिका जैसी फिल्मों का नाम शुमार है। आपको बता दें कि कंगना को कई ऐसी फिल्मों के ऑफर्स भी मिले हैं जिन्हें ना कहने में उन्होंने जरा भी देरी नहीं लगाई। तो चलिए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में जिन्हें कंगना ने बिना कुछ सोचे समझे ही रिजेक्ट कर दिया था। बियॉन्ड द क्लाउड्स। माजिद मजीदी की इस फिल्म के लिए कंगना को अप्रोच किया गया था। कंगना के मना करने के बाद ही इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर मालविका मोहनन को साइन किया गया। संजू। साल 2018 की सफल फिल्मों में से एक संजू में संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त के रोल के लिए कंगना को अप्रोच किया गया था। बाद में इस रोल को दिया मिर्जा ने अदा किया। बजरंगी भाईजान। कंगना ने भाईजान की इस फिल्म को इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस फिल्म में उनका रोल बहुत कम होगा। एयरलिफ्ट। कंगना ने इस फिल्म को भी करने से मना कर दिया था। इसके बाद ही निमरत कौर को अक्षय की इस फिल्म के लिए साइन किया गया। डर्टी पिक्चर। विद्या बालन से पहले इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए कंगना को ऑफर किया गया था। रुस्तम। कंगना ने अक्षय की एयरलिफ्ट ही नहीं बल्कि रुस्तम के ऑफर को भी ठुकरा दिया था। सुल्तान। अनुष्का शर्मा से पहले इस फिल्म का ऑफर कंगना को मिला था। जीरो। बीते साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इस फिल्म का ऑफर भी कंगना को मिला था। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।